What is the weather in Bangalore? Right now in Bangalore, Karnataka, it's 25 degrees. हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट वॉच का, जो है पांगफांग कंपनी का Y20GT ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। और ये आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ, और वारंटी होने से मन को शांति मिलती है जो आपको इसमें मिलेगी। इसको रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीजन है इसका बैटरी लाइफ। कंपनी के मुताबिक इसे 3 से 8 दिन का बैटरी बैकअप देना चाहिए था, पर मैंने इसको 15 दिन पहले ही फुल चार्ज किया था और अब भी ये चल रहा है। और देखिए, अब भी इतना चार्ज बाकी है तो और 15 दिन तो चल जाएगा, टोटल 30 दिन। वाओ। उसके अलावा आपको इसमें सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो बाकी के प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस में होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग फैसिलिटी, हार्ट रेट मॉनिटर, बीपी मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, पेडोमीटर, SPO2 मॉनिटर, वेदर वगैरह वगैरह। उसके अलावा इसमें आपको 28 स्पोर्ट मोड्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा मल्टीपल वॉच फेसेस भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू, और ये IP67 वाटरप्रूफ भी है। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्सी कंटेंट को, और उसके बाद मैं इसको यूज करके और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आपको इसके प्राइस के बारे में पता करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा बॉक्स, कंपनी का नाम है पांगफांग। बॉक्स के ऊपर वॉच का पिक्चर है, साइड में कुछ फीचर्स मेंशन है, पीछे कुछ यूजर गाइडेंस, बेसिक पैरामीटर्स और ऐप डाउनलोड करने का QR कोड दिया हुआ है। तो चलिए अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर ये रहा वारंटी कार्ड 1 ईयर का, उसके बाद ये रहा स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच के साथ स्क्रीन गार्ड भी आया है, जो अच्छा बात है। चलिए इस स्क्रीन गार्ड को निकाल देते हैं, बाद में ठीक से लगाएंगे। तो अभी ठीक से दिखाई दे रहा है वॉच का डिजाइन, तो वॉच को बाद में ठीक से देखेंगे, पहले बाकी बॉक्सी कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो ये रहा वॉच का चार्ज करने के लिए मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, उसके बाद ये हो गया क्विक गाइड, और उसके बाद ये है यूजर मैनुअल। तो ये रहे सभी बॉक्सी कंटेंट्स एक साथ। चलिए अभी सबसे पहले स्मार्ट वॉच को चार्ज कर लेते हैं। आप कोई सा भी मोबाइल चार्जर ले सकते हैं, और जो मैग्नेटिक पिंस है स्मार्ट वॉच के पीछे आसानी से चिपक जाता है। तो देखिए अभी ये स्मार्ट वॉच चार्ज हो रहा है, तो मिलते हैं फुल चार्ज होने के बाद। तो अभी जो ये वॉच है ये फुल चार्ज हो गया है, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा देर यूज किया है, उसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो उसको ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले स्मार्ट वॉच को ठीक से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो स्क्रीन है ये 1.7 इंच का टच स्क्रीन है। उसके बाद इसका जो बॉडी है वो मेटालिक बॉडी है, ये मेटल का है, और इस साइड में एक नॉब दिया हुआ है, और दूसरे साइड में स्पीकर है, और इसमें माइक भी है, और पीछे ये होगी हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर वगैरह वगैरह, और यहाँ पे ये चार्जिंग पिन कनेक्टर, और यहाँ पे ये कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है। और उसके बाद ये जो स्ट्रेप्स है ये सिलिकॉन स्ट्रेप्स है, ये बहुत ही कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल स्ट्रेप से सिलिकॉन का, तो ये कंफर्टेबल है बहुत ही। तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, इतना हैवी भी नहीं है और इतना लाइट भी नहीं है। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। तो ये ऑन हो गया है, और इसका डिफॉल्ट वॉच फेस भी आ गया है, और जो डिफॉल्ट पेडोमीटर है वो आपको इसके डिफॉल्ट वॉच फेस में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर पे दिखा रहा है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपने दिन भर कितना वॉक किया सब यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा, उसके बाद दिखा देगा। तो ये जो वॉच फेसेस है आप इनको चेंज कर सकते हैं, के लिए थोड़ा देर यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो वॉच फेसेस है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4-5 डिफॉल्ट वॉच फेसेस मिल जाएंगे, और आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू। उसके बाद आप अगर ऊपर से नीचे तक स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला हो गया डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, ये वाला हो गया ब्राइटनेस का बटन, यहाँ पे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इंडोर स्टूडियो लाइटिंग पे हूँ, तब भी ये ठीक से दिख रहा है, और बाहर में भी मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी सेविंग मोड मिल जाता है, इसको दबाने से इसका स्क्रीन का ब्राइटनेस कम हो जाता है और बैटरी सेव करता है। फिलहाल ये फुल चार्ज है, आप देख सकते हैं ऊपर में कितना बैटरी रिमेनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो कॉल का आइकन है ये आपके फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, इसको ऑन करने से इसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी मोबाइल को कनेक्ट करके रखा है, और इसका ऐप को भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये वाला हो गया टॉर्च लाइट का ऑप्शन, इसको दबाने से ये जो स्क्रीन है व्हाइट हो जाता है, मतलब छोटा मोटा ये टॉर्च लाइट का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया सेटिंग्स का बटन, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया ब्राइटनेस सेटिंग, उसके बाद फोन ऑन, कॉल रिसेट, रिंग एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स है। तो ये जो वॉच है ये वाइब्रेट भी होता है और इसमें रिंग भी आता है, तो फिलहाल मैंने रिंग एंड वाइब्रेशन दोनों के सिलेक्ट करके रखा है। और बैक जाने के लिए आपको इसको दबाना पड़ेगा, उसके बाद सेक ऑन यहाँ पे ऑन करके रखा है मैंने, इसको सेक ऑन करने से जब आप हाथ हिलाएंगे तब इसका जो डिस्प्ले है ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, और उसके नीचे ये थिएटर का ऑप्शन है। उसके बाद ये वाला हो गया डायल स्विच, इसको दबा के आप जो डिफॉल्ट वॉच फेसेस है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिसेट का बटन है, पावर ऑफ का बटन है, QR कोड यहाँ पे है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इसका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट है, इसमें आपको इस वॉच का डिटेल
डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला हो गया Y20ZT मॉडल। उसके बाद फाइंड फोन का ऑप्शन है, इसको दबाने से आपका फोन रिंग करेगा, कहाँ पे फोन है आपको पता चल जाएगा। तो ये सब था इसका सेटिंग्स। उसके बाद बैक जाते हैं, तो अभी अगर आप नीचे से ऊपर तक स्वाइप करेंगे तो इसका जो डिफॉल्ट वॉच फेस है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आप नीचे से ऊपर तक स्वाइप करेंगे तो इसका मेनू आ जाएगा। तो ये जो मेनू है ये अभी लिस्ट स्टाइल पे है, आपको हनीकॉम स्टाइल पे भी मिल जाएगा। पहले अभी ये लिस्ट स्टाइल देख लेते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में पहले मैसेज है, मैंने मेरे मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके रखा है। अभी व्हाट्सएप का जो मैसेजेस है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद SMS का, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी कुछ मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी है यहाँ पे, ये स्लीप मॉनिटर है यहाँ पे, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर, उसके बाद ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको अलग अलग स्पोर्ट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह, स्विमिंग, बहुत सारे यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड्स मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप जॉगिंग करते हैं, नहीं तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, तब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी टाइमिंग शुरू हो गया है, कितना टाइम आपने वॉक किया है वो दिखाएगा, कैलोरी कितना बर्न हुआ है वो दिख जाएगा, उसके बाद आपने स्टेप्स कितना लिया है वो दिख जाएगा, और कितना किलोमीटर आपने चला है वो दिख जाएगा। उसके बाद ये वाला हो गया फोन, यहाँ से आप डायल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद ये हो गया बीपी मॉनिटर, अपना बीपी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया SPO2 मॉनिटर। उसके बाद ये हो गया वेदर, तो अभी ये बेंगलोर का वेदर दिखा रहा है। ये हो गया शटर, यहाँ से आप रिमोटली कैमरा से फोटो ले सकते हैं। उसके बाद प्लेयर हो गया ये, चलिए अभी इसको प्ले करके देखते हैं। तो इससे आप मोबाइल पे जो भी गाना बज रहा होगा यहाँ पे आप सुन सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो AI वॉइस है, चलिए उसको ट्राई करते हैं, इसको टैप करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम नाउ? इट्स 10:31 AM। तो एलेक्सा ने मुझे टाइम बताया है अभी, इसको एलेक्सा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द वेदर इन बेंगलोर? तो आप इससे गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा को वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। उसके बाद ये हो गया ब्रेथ, ये एक्सरसाइज का कुछ ऐप है। उसके बाद स्टॉप वॉच हो गया, अलार्म हो गया, काउंटडाउन, गेम, जी हाँ इसमें गेम भी है, आप टाइम पास कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैशलाइट मैंने आपको दिखाया था, अदर्स में सेटिंग्स मिल जाता है। तो ये था लिस्ट स्टाइल मेनू, और अगर आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो आपको यही मेनू हनीकॉम स्टाइल में मिल जाएगा, और अगर राइट से लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ एप्स का शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अभी वॉच को पहन के देखते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैंने इसमें जो नया वाला डायल इंस्टॉल किया है, चलिए उसको ऑन कर लेते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही प्रीमियम लुक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अभी इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है उसको टेस्ट करते हैं। पहले ये स्कैन करता है, उसके बाद मेजरमेंट दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा हार्ट रेट दिखा दिया है। उसके बाद चलिए SPO2 टेस्ट करते हैं, ये ब्लड में ऑक्सीजन कितना है बताता है। तो चलिए ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेते हैं। तो मेरा BP भी यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है एक्यूरेट है कि नहीं तब पता चलेगा जब हम इसको टेबल पे रख के चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी जो SPO2 है, चलिए उसको मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर शो कर रहा है, पहनने के लिए बोला है यहाँ पे। उसके बाद जो हार्ट रेट है, चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं। तो देखिए टेबल पे नहीं होता है, ये पहनने से ही होता है। तो मतलब इसका जो सेंसर्स है असली है। इसका कॉलिंग फीचर भी चेक करेंगे, उससे पहले इसके ऐप को देख लेते हैं जो है द फिट। तो ये वाला हो गया इसका ऐप। इस ऐप में आपको सभी रीडिंग्स मिल जाएगा, जैसे कि दिन भर में कितना स्टेप्स आपने लिया, रात में कितना घंटा सोया, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जिसका आपको इंटेजर है वो यहाँ मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा वॉच फेसेस। तो ये रहा डिफॉल्ट वॉच फेसेस, पर आपको और भी वॉच फेसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो अगर आपको और भी चाहिए तो नीचे पे मोर वॉच फेसेस पे टैप करना होगा, और यहाँ पे आपको ढेर सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, किस किस का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, जैसे कि फ़ोन का, SMS का, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप, इंस्टाग्राम, इन सभी का नोटिफिकेशन आपको वॉच में मिल जाएगा। जैसे कि ये रहा SMS और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मेरे वॉच में। तो चलिए अभी इस स्मार्ट वॉच से कॉल करके भी देख लेते हैं। तो ये रहा डायल पैड, तो यहाँ से आप डायल करके भी कॉल कर सकते हैं, पर मैं कॉन्टेक्स्ट में से कॉल करने वाला हूँ मेरे एक दोस्त को। तो मेरे दोस्त ने कॉल रिसीव नहीं किया, पर अब वो मुझे कॉल बैक करेगा। तो ये देखिए वॉच में कॉल ऐसे आता है, चलिए जल्दी से रिसीव करते हैं। श्री प्रकाश, हाँ मैंने आज मैं फिर से कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुमको कॉल किया था। आज मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक स्मार्ट वॉच का। तो मेरा आवाज़ ठीक से आ रहा है ना?
अभी आ रहा है मेरा आवाज़? बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। कहाँ पे हो अभी? अभी कोर्ट में हूँ, कोर्ट में। तो ठीक है, मैं घर आ जाऊँ, उसके बाद बात करेंगे। तो इसका कॉलिंग फीचर भी अच्छा है, ब्राइटनेस भी अच्छा है, आउटडोर में भी ठीक से विजिबल रहता है। तो अगर आपको एवरीडे यूज के लिए एक स्मार्ट वॉच चाहिए जिसका बैटरी बैकअप अच्छा हो और जिसमें सभी प्रीमियम फीचर्स हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।